में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, तब पुलिस को यह आभास हुआ कि मृतक के परिजनों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। उस आधार पर पुलिस ने विशाल और दीपक के द्वारा दिए गए वर्जन के पश्चात मृतक की माँ, मृतक की बेटी सिमरन और मृतक की पत्नी रुखसाना को अपनी अभिरक्षा में लिया। उनसे डिटेल इंटरोगेशन किया, जो बात सामने आई हत्या की वजह जो रही, उनके द्वारा प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को बताया गया है। मृतक की बेटी सिमरन का विवाह मृतक जो उसके पिता थे वो उसकी मर्जी के विरुद्ध कहीं करवाना चाह रहे थे, जिससे रुष्ट होकर सिमरन ने एक पूरी प्लानिंग की, इसमें अपनी माँ को भी इन्वॉल्व किया। देखिए 22 नवंबर को कन्नौद कस्बे में सुबह 7 बजे कन्नौद के ही निवासी 45 वर्षीय निसार अली, जो कि वहीं पर मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनकी अपनी ही दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह एक सनसनीखेज वारदात थी जिसमें हमारे एडिशनल एसपी रूरल आकाश भूरिया, एसडीओपी कन्नौद केतन अदलक और टीआई कन्नौद तहजीब काजी के साथ ही हमारी 3 थानों की टीम लगातार संलग्न रही। गंभीर अपराध था, सनसनीखेज वारदात थी, लगातार 4 दिनों तक हमारी 3 पृथक पृथक टीमें काम करती रही। शुरुआत में पुलिस टीम को गुमराह करने का भी बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन संपूर्ण टीम ने काफी सूझबूझ के साथ इस जघन्य हत्याकांड की एक एक कड़ी को एक दूसरे से मिलाया और अंततः आरोपियों तक पहुंची। और सबसे पहले जो शूटर थे जिन्होंने गोली मारकर निसार अली की हत्या की थी, विशाल पिता अशोक और दीपक पिता मड़िया, इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये दोनों थाना खजराना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं। विशाल और दीपक से जब विस्तृत प्राइमरी पूछताछ की गई तो एक जो तथ्य सामने आया, हत्या का उद्देश्य भी पुलिस को क्लियर हुआ और किसके कहने पर उन्होंने ये हत्या की थी वो भी क्लियर हुआ। तो जो मृतक की पत्नी है रुखसाना बी और मृतक की बेटी है सिमरन पिता निसार अली, इन दोनों के कहने पर विशाल और दीपक ने निसार अली की हत्या को अंजाम दिया था। जो घटना का कारण प्राइमरी पूछताछ में पता चला है, मृतक की बेटी सिमरन जो कि अपने शादी के रिश्ते से नाखुश थी, उसके पिता कहीं और उसका रिश्ता कराना चाहते थे जिससे वो संतुष्ट नहीं थी, इसी आधार पर बेटी ने अपनी माँ के साथ मिलकर और अपने मित्र विशाल और विशाल के फ्रेंड दीपक के साथ मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था। और सिमरन के कहने पर ही विशाल और दीपक के द्वारा 22 नवंबर को सुबह 7:30 बजे निसार अली की गोली मारकर हत्या की गई थी। उक्त पूरे प्रकरण में चूंकि जैसा मैंने बताया पुलिस को इनिशियली गुमराह करने का पूरा प्रयास परिजनों के द्वारा जो बाद में आरोपी निकले किया गया था, कई संदिग्धों को पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की गई, लेकिन काफी सूझबूझ के साथ हत्या संबंधी प्रकरण में कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित ना हो इस बात को इंश्योर किया गया। फाइनली असली आरोपियों का पुलिस के द्वारा पता लगाया गया। ये जो उत्कृष्ट और पेशेवर कार्य किया गया इसके लिए हमने हमारी पूरी टीम को 10,000 की कैश रिवॉर्ड की घोषणा की।